नमस्कार दोस्तों, हम सबको ईश्वर ने बनाया है। जल, थल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, और इन जीव जंतुओं में से एक है सांप। सांपों के बारे में बहुत अधिक गलत फहमियाँ हमारे समाज में फैली हुई है, जिसके कारण इन्हें हम अपने लिए अहितकार जीव समझते हैं। सांपों की हर प्रजाति अपने अस्तित्व के लिए अन्य प्रजाति पर निर्भर रहती है। इस जीव के प्रति इंसानों का रवैया बहुत ही विरोधाभासी रहा है, जहां इंसान इन्हें पूछते हैं या फिर इन्हें अपने स्वार्थ के लिए मार भी देते हैं। दोस्तों, हमारे बिलासपुर में भी सांपों की लगभग 18-19 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कुछ विषैले, कुछ अर्धविषैले और कुछ विषहीन। आने वाले दिनों में बिलासपुर में सभी सांपों के इन प्रजातियों को हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सांप हमारे घरों में भोजन की तलाश में कभी भी आ सकते हैं और कहीं भी। जैसे अंकित जी और हमने कई रेस्क्यू किया, सांप हमारे दीवारों पर, छतों पर, दरवाज़ों पर, किचन में, बर्तनों में, गैस के सिलेंडर में, बाथरूम में, मोटरसाइकिल में, फ्रिज, कूलर, टीवी, कार, बगीचों में और अन्य स्थानों पर हमें मिले हैं। यूँ कहें तो जहाँ सांप अपने आप को सुरक्षित समझे वहाँ छिप जाते हैं, पर उन्हें क्या मालूम हम इंसान की नज़र उन पर पड़ जाती है। दोस्तों, हमने कई बहुत अच्छे होते हैं जो किसी रेस्क्यूअर को बुलाकर रेस्क्यू करवा देते हैं। दोस्तों, हमारे बिलासपुर शहर में भी बहुत से अच्छे लोग हैं जिनके घरों में सांप आ जाते हैं और हमें फ़ोन करके बुलाते हैं, और कुछ तो स्वयं ही अलग अलग तरीक़ों से सांपों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में कई बार सांपों से सर्पदंश होने की संभावना हो जाती है, और कई बार कोशिश में सांपों को चोट भी लग जाती है। ऐसे कई सारे सांप हमें मिले जिन्हें हमें फिर डॉक्टर के पास ले जाकर उनका ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। दोस्तों, कुछ हमारे पास ऐसे भी तस्वीरें आईं, वीडियो आई, जिसमें सांपों को नहीं पहचान पाने के कारण सांपों को मारा गया, और कुछ बिलासपुर के आसपास ऐसे लोगों का भी फ़ोटो, वीडियो हमें वायरल मिले जो शराब के नशे में इन जहरीले सांपों के साथ छेड़खानी करते मिले और जिन्हें सर्पदंश भी हुआ। हम इन सांपों को दोष देते हैं। यही कारण था कि अंकित जी और हमें, हमारे बिलासपुर के लोगों ने ढेर सारी मैसेज किया कि आप लोगों को, हमारे शहर के लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, परंतु हम इस कोरोना काल में भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते और ना ही सांपों को भीड़ में दिखा सकते हैं जब तक कि आप हमें स्नेक रेस्क्यू के लिए ना बुलाएं। यही कारण है कि हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं जागरूक करने के लिए। इस कोशिश में हमारे बिलासपुर के लोग हमारे साथ हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया है, और हम उनका शुक्रिया करते हैं। और छोटी सी कोशिश है हमारे, आप इस कोशिश में हमारे साथ होंगे आशा है। दोस्तों, अंकित जी बिलासपुर शहर के बहुत ही अच्छे रेस्क्यूअर हैं, और काफ़ी दिनों से बिलासपुर शहर में सांपों का बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश में हम सब भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत ही अच्छा सा काम कर रहे हैं अंकित जी। और एक ऐसा ही कुछ दिन पहले एक रेस्क्यू आया, कॉल आया था सिलपहरी बिलासपुर से। Gracias.
पाइप डालो ना भी अंदर, जाएगा जाएगा। डालो डालो, पकड़ना पकड़ना, मैं इसको पाइप लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? काटे मना झल नहीं महंगी चलो डालो जल्दी चलते। घर का माता घर मम्मा घर में